हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रुति और आज दिन है सैटरडे और अभी दिन के बज रहे हैं 3 और आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे घर पे कुछ डिस्कशन चल रहा है। मेरे घर कुछ गेस्ट आए हुए हैं, मैं वो आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि आप वीडियो पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो आइए अब आपको मैं बताती हूँ कि ये कौन है। जब मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था, मैं ये जानना चाहती थी कि मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, क्या वहाँ पे कोई और भी इस YouTube चीज़ में है या नहीं। तब मैंने सर्च किया और मुझे कुछ यूट्यूबर्स का पता चला था, जिनमें से एक यूट्यूबर है मनोज दे। ये अपने चैनल पर टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस पब्लिश करते हैं और इनका सब्सक्राइबर बेस है 1.3 लाख। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इनसे मिलूं और उनका एक्सपीरियंस लूं। मेरी बहुत कोशिशों के बाद आज वो फाइनली वो दिन आ गया है कि मनोज भाई मेरे सामने बैठे हैं और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर रहे हैं। इन्होंने मुझे हर तरह से गाइड किया और मुझे बहुत सारे टिप्स दिए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जो आगे वीडियोस बनाऊं, उसको मैं इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए बनाऊं। ये रियली बहुत अच्छे इंसान हैं और काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि आने वाले दिनों में मैं मनोज भाई के साथ एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं और मैं इन्हें बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूं कि वो अपना वक्त मेरे लिए निकाले और मेरे घर आए इस मीटिंग के लिए। आई एम सो ग्लैड। तो आइए कुछ झलक देखते हैं इनके चैनल का। और मैं आपसे एक और बात कहूँगी कि अगर आपको टेक्निकल रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर इनके चैनल को विज़िट कीजिए। इनके चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनसे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा आपके वीडियोस बनाने में और उसे पब्लिश करने में यूट्यूब पे। तो आइए देखते हैं उनके उनके चैनल का एक झलक। ये और इस रेड वाले बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बट दोस्तों, मैं आप लोग आज कैमरे के पीछे का सीन दिखाऊंगा किस तरह का होता है और आप लोग ये देखकर मुझे उम्मीद है 99% आप लोग जो है मोटिवेट हो जाओगे मेरे इस स्ट्रगल को देख कर। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर जब नया यूट्यूबर आता है तो सोचता है कैमरा ले लूँ, DSLR ले लूँ, लैपटॉप ले लूँ, प्रोफेशनली रूम होना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट संडे। हम लोग का आज संडे बहुत ही मज़े वाला होने वाला है क्योंकि आज हमने प्लान किया है कि हम जाएंगे बोकारो ज़ू। बोकारो ज़ू पहुंचने में हमें 45 to 55 मिनट्स लगेगा क्योंकि अभी बहुत अच्छा वेदर है, ना बहुत ज़्यादा धूप रहती है ना बारिश हो रही है। तो हमने सोचा कि ये टाइम अच्छा रहेगा कि हम वहाँ से होके आ जाएँ। हमारे साथ एक और फैमिली भी फ्रेंड भी जाएंगे, उनके 2 बच्चे हैं। बहुत दिनों से उनके बच्चे बोल रहे थे कि बोकारो ज़ू जाना है और अब शिवाय भी थोड़ा बड़ा हो गया है, वो इंटरेस्ट लेने लगा है बर्ड्स में, एनिमल्स में। तो मुझे लगा कि ये अच्छा होगा उसके लिए भी। संडे बेसिकली आउटडोर एक्टिविटीज़ का दिन होता है तो इससे बेटर क्या होगा बच्चों के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बोकारो ज़ू। ये है एंट्रेंस बोकारो ज़ू का। ये एरिया है टिकट काउंटर। बहुत ज़्यादा रश नहीं था इसलिए हमें टिकट लेने में उतनी परेशानी नहीं हुई। अब हम एंटर करेंगे ज़ू में। तो यहाँ का जो फेयर है टिकट का वो है अडल्ट के लिए 30 रुपीज़,
किड के लिए 15 रुपीज़ और 3 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप स्टिल कैमरा यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो 50 रुपये आपको देना पड़ेगा और वीडियो कैमरा है तो 150 रुपीज़। और अंदर ज़ू के अंदर फूड ले जाना अलाउड नहीं है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं वहाँ प्लांटेड है कुछ ट्रीज़ और उस ट्री पर उनके नाम लिखे हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर ट्री को वहाँ प्लांट किया था। तो बेसिकली इस ज़ू को हम घूम सकते हैं एंटर करके दो रास्तों से। तो अब हम यहाँ पे डिसाइड किए हैं कि हम फर्स्ट वे लेंगे ज़ू घूमने के लिए। तो ये है बच्चा लोग अलोंग विद पापास। शिवाय अभी बिल्कुल लॉस्ट है एंड चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कहाँ हम कहाँ हैं। तो ये है शिवाय अपने बॉल के साथ। तो ये है कुछ जानकारी वाली चीज़ जो सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता था। इस ज़ू में बैटरी कार्स की सुविधा नहीं है बट एक टॉय ट्रेन से ये घूम सकते हैं आप। तो वो हम लोग डिसाइड किए कि उस टॉय ट्रेन पे हम लोग बाद में बैठेंगे। तो सबसे पहले इस ज़ू में हमने देखा ईमू। तो ये हैं कुछ ईमूज़ यहाँ पे। अभी जो आप सामने देख रहे हैं वहाँ पे है सांबर डियर। अब यहाँ पे बच्चों को ब्रेक लेना था। फिर हमने देखा नीलगाय, हिप्पोपोटामस भी थे इस ज़ू में। एक चीज़ है कि प्लेस कैसा भी रहे मगर अगर बच्चों की एन्जॉयमेंट का अगर वो जगह है तो बच्चे इन्जॉय ही करते हैं। ज़ू की बात करें तो यहाँ मेंटेनेंस नाम का कोई चीज़ नहीं दिखा मुझे। एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट तो थे ही नहीं। एनिमल्स का भी ध्यान रखा जाता है या नहीं आई डाउट। चिल्ड्रन पार्क एरिया को छोड़कर मुझे और कहीं क्लीनलेस नहीं दिखा। साइन बोर्ड्स कहीं थे तो कहीं नहीं। आई थिंक इन सभी जगहों को थोड़ा मेंटेन करके रखना चाहिए। अच्छी बात ये थी कि जो भी हो प्लेस बट बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे जो कि हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ दो पैंथर भी थे और साथ में हमने लिपर्ड हाइना भी देखा। आगे मूव करने पर हमें मंकीज एंड लंगूर्स मिले। इस ज़ू में एक फ़िश एक्वेरियम भी है। बहुत वैरायटीज थे फ़िश के और मेंटेनेंस बट मुझे कहीं नहीं दिखा एक्वेरियम का। फ़िश को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए क्योंकि फ़िश बहुत ब्यूटीफुल थे।
शिवाय बहुत देर से बैठा हुआ था अपने प्रैम्प में, तो अब उसे उस पर और नहीं बैठना था, तो वो बार बार जिद कर रहा था कि नीचे आना है प्रैम्प से। तो हमने अभी उसे शूज़ पहनाया उसका और थोड़ा सा उसको फ्री छोड़ा। ये स्टार्ट हो गया इसका दौड़ना। इसको बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना। अभी मैंने शिवाय से कहा स्माइल कर दो, तो वो स्माइल के साथ हाई भी कर रहा है। अब हम टॉय ट्रेन की सवारी करने के लिए आगे बढ़े। टॉय ट्रेन का जो फेयर था वो पर हेड था 20 रुपीज़। तो अब हम बैठे हैं ट्रेन, टॉय ट्रेन पे, और हमें प्रैम्प रखने का कोई वे नहीं मिला, तो हमने इसे भी कैरी कर लिया टॉय ट्रेन में अपने साथ। और टॉय ट्रेन का जो स्पीड था वो थोड़ा सा स्केरी था, तो शिवाय थोड़ा सा डरा डरा फील कर रहा था। यहाँ पिकॉक्स के बहुत सारे स्पीसीज थे। ज़ू का जो किड पार्क एरिया था वो बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो हमने ज़ू घूमने के बाद काफ़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड किया। तो फाइनली अब हम रिटर्न हो रहे हैं। क्योंकि अंदर फूड अलाउड नहीं था तो हम बाहर कार पार्किंग एरिया में ही खाएंगे फूड, हम लोगों ने डिसाइड किया। आज हम लोगों ने होममेड फूड ही कैरी किया था अपने साथ, क्योंकि हमारा प्लान नहीं था कि हम बाहर कुछ खाएं। तो आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट संडे विथ अस। तो अभी मैं एंड कर रही हूँ इस वीडियो को। वी हैड अ ग्रेट संडे बिकॉज आवर किड एंजॉयड अ लॉट। तो आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।